नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ। आज मैं अपना इस हफ्ते का आईपीओ फंडामेंटल ब्लास्टर का एपिसोड। उम्मीद है कि आप लोगों की दिवाली अच्छी गुजरी होगी और जो मैंने दिवाली पिक्स बताई थी उनको आपने उनमें से कुछ खरीदे होंगे अपने पोर्टफोलियो के अनुसार और अपने एनालिसिस के बेस पे। और वो ऐसी उम्मीद है कि आपको इस हफ्ते इन सभी शेयर से अच्छी प्रॉफिट हो सकता है साल भर के अंदर। लेकिन देखिए साहब, शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको उनको होल्ड करना पड़ता है लंबे। कोई भी राकेश झुनझुनवाला या कोई बड़ा शेयर आदमी ट्रेडिंग करके नहीं बनता साहब। जो शेयर आप रखते हैं उसको होल्ड करिए, अगर उसमें अच्छा है। मैं मेरे ही बताए हुए कुछ शेयर्स में से आज उनका एग्जाम्पल दूंगा। जो शेयर जिन्होंने लंबे रखे हैं उनको क्या फायदा हुआ, जो एग्जिट कर गए थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके या थोड़ा सा स्टॉप लॉस से पहले का लॉस हुआ उसको लेके निकल गए, उनके साथ क्या हुआ। सो आई विल डिस्कसिंग फ्यू। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू ऑल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे। सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे, अनुराग सर के फंडामेंटल ब्लास्टर्स। सो फॉर योर रीडिंग आई विल डू इट फुल स्क्रीन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उत्तम शुगर एज इट इज डूइंग गुड, बी एल एस फाइनेंस द पर्सन हुज होल्डिंग सिंस आई रिकमेंडेड इट। सो 265 वॉज अ हाई ऑफ इट एंड टूडे इट इज 188। अगर कोई स्टिल होल्ड करता है 96 से तो साहब 95% का प्रॉफिट ऑलरेडी है। अगर 260-265 के आसपास किसी ने रिकमेंड कर लिया होगा तो ही हैज गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 176%। हिंदुस्तान टिन वर्क्स 69% का प्रॉफिट आपको दे रहा है। शिवालिक बीमा टेल 211%, रेणुका शुगर 65%, HFCL 47%, डाटा मैटेक्स आप देखिए साहब 327 में चल रहा है, 98% का प्रॉफिट आपको दे चुका। आंध्रा पेट्रो देखिए साहब, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। 19 जून को मैंने शेयर दिया था, 93 रुपीज पे 200 का टारगेट था, 139 अभी चल रहा है और 197 हो के आया जो मेरे 200 के टारगेट के पास था। जो लोग तब नहीं बेचा या उस समय बेच दिया और दोबारा 98-99 पे जब आया इसको खरीद लिया, आप देखिए उनके साथ कितना अच्छा होने वाला है। दोबारा ये शेयर उसी तरफ बढ़ रहा है और आज मैं दोबारा इसके बारे में आपको बताऊंगा भी आगे कि 138 पे खरीदिए और क्या करना है। पीजी फॉयल्स 147 खरीद है और साहब 505 होके आया, अभी दोबारा 455 चल रहा है। दीपक स्पिनर्स 194 पे बोला था, 259 है और 465 ऑलरेडी होके आया साहब। CDSL 1579 का हाई लगा के आया, 146 करेंटली है। नाहर कैपिटल 423 लगा के आया, 350 पे करेंटली, जो टारगेट से भी ऊपर है और ये मैंने दोबारा टारगेट दिया था मॉडिफाई करके। सिंक्लेयर इंडस्ट्रीज थोड़ा नीचे है, बट यू मस्ट सी व्हाट व्हाट द कंपनी इज। एशियन होटल्स अभी पूरा सीजन्स है छुट्टियों का दिसंबर में। रामरत्न पावर इज गोइंग टू गुड। ITC लंबा शेयर है, होल्ड इट ऑन। टाटा पावर 118 रिकमेंड किया था साहब, 231 है, होल्ड इट। अगेन आज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसको। टाटा स्टील 2.5% नीचे है बट अच्छी कंपनी है। TTML 65% ऊपर है। टाटा कंज्यूमर्स 1.5% नीचे है। गायत्री प्रोजेक्ट 10.5% नीचे है। सुदर्शन केमिकल्स 14%, कर्नाटका बैंक 14.75, IEX बोनस का कैंडिडेट है साहब और 36.48, आरती ड्रग 6.95, वेल 424.14, HDFC लाइफ 8.66, मेग मनी ऑर्गेनिक 25, मेग मनी फिन 13.91। अब इंफ्राटेल इंडस टावर 21%, इंडियन होटल्स 43, इंटर ग्लोब एविएशन 13%, चोला फाइनेंस 7.72, यू हैव दी जील 69%, मैरिको 3%, स्पार्क 11% डाउन, स्कॉट्स 4.59, एक्सेस 3.59, वेदवॉक 10.45। कैनरा बैंक याद रखें जब एक्सिस बैंक की बात करते हैं, कैनरा बैंक इज ए बेटर कैंडिडेट, होल्ड इट ऑन, आई रिकमेंडेड सेवरल टाइम्स। मैराथन नेक्स्ट 9% नीचे, 10% मान लीजिए आप। रिलायंस कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट। शिल्पा मेडी 6.60, इंडिया बुल्स हाउसिंग 2.26, LIC हाउसिंग 1.67। अभी जो हाउसिंग सेक्टर का बूम आएगा उसका प्रॉफिट इसमें आपको बुक दिखेगा। दिवाली पे जो लोगों खरीदारी की है अगले क्वार्टर में आप देखेंगे इसका। AVFRL 30%, DLF अगेन आई होप इट शुड गो अप।
430 का टारगेट दिया था, 435 का इस हफ्ते पूरा हुआ है, एंड 570 का मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा होल्ड इट 21% ऊपर। लक्ष्मी केमिकल थोड़ा करेक्शन है, बट दोबारा मैं कह रहा हूँ कि होल्ड इट ऑन। दिवाली मैंने पिक्स में बताया था, अच्छी कंपनी, होल्ड इट ऑन। एलएनटी 14% ऊपर है। दीपक फर्टिलाइजर्स कॉस्ट टू कॉस्ट। नजारा टेक करेक्ट हुआ है 25%, बट यू कैन होल्ड इट ऑन एंड इट विल गिव गुड प्रॉफिट। बॉब 15% ऊपर। इस सारे के सारे जो मैं 10 अक्टूबर का बता रहा हूँ, दे ऑल आर गुड, यू कैन होल्ड इट। बिरला सॉफ्ट अब तो करेक्ट हो चुका है, दोज हु आर स्टिल होल्डिंग दे कैन जस्ट होल्ड इट नाउ। एवरेज कर लीजिए, लेकिन जिन्होंने पहले स्टॉप लॉस बुक कर लिया अच्छा है, दे कैन एंटर री एंटर अगेन। एरीज एग्रो 139 के मतलब लॉस पे है। आपको ब्रिंची दिस वीक आई थिंक दिस ऑल कैन गो अप। कैनरा बैंक में अभी भी बात करा था कि 193 पे मैंने रिकमेंड किया, 234 है। होल्ड दिस, आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक एंड आई फील दैट इट कैन गो अप टू 500। जस्ट होल्ड इट फॉर 1.5 ईयर। REC 153 करेंट चल रहा है, 220 का टारगेट है, 6% नीचे। पावर ग्रेड 9% नीचे। STL टेक 10% का मेरा स्टॉप लॉस था, तो यू कैन एग्जिट इफ इट हस्ट, अदरवाइज यू कैन होल्ड। JKIL कॉस्ट टू कॉस्ट, नो नीड टू वरी। FSL 7% नीचे है। KP एनर्जी 30% होल्ड इट। जस्ट 7/31 को मैंने रिकमेंड किया था सेल, 7% ऊपर। वेदांता 3% ऊपर। RSWM 31% 21% ऊपर है लगभग। JB मार्टो 5%। फिलाटेक्स 3% ऊपर है। नो आज की जो मेरी पिक्स हैं, यानी 7 नवंबर के, दे आर रिलैक्सो। 1460 के आसपास खरीदिए साहब, और 1610 का टारगेट है, 1395 का स्टॉप लॉस लगाइए। आंध्र पेट्रो मैंने कहा था, मैं दोबारा रिकमेंड कर रहा हूँ, सो आंध्र पेट्रो इज एट गुड रीजन नाउ। 138-225 का टारगेट लगाइए और 117 स्टॉप लॉस। SW सोलर 451 करंट मार्केट प्राइस है, 623 का टारगेट, 418 स्टॉप लॉस लगाइए। ऑल दो पिछले हफ्ते काफी बढ़ चुका है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ी मेंटेन करके रखना। हैपीएस्ट माइंड मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट वीक्स, 1278 का स्टॉक करंट मार्केट प्राइस, बाय करिए। और जहां पे मैंने देखो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे जहां लिखा है, इसका मतलब वो उस रेट पे आ सकता है। 1510 टारगेट एंड 1230 का स्टॉप लॉस। विपुल ऑर्गेनिक 176 खरीदिए, 230 का टारगेट है, 158 का स्टॉप लॉस लगाइए। PVR 1695 करंट मार्केट प्राइस है, 2400 का टारगेट है पहला, उसके 2750 और 1628 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ी इसमें बिगर है, क्योंकि आपको पता PVR है। अभी मैं क्यों इसको बुलिश हूँ, क्योंकि अभी कोरोना का इफेक्ट काफी हद तक दूर हो गया है, कंपनियां खुलने लगी हैं, लोगों ने मूवी देखने शुरू कर दी हैं, तो PVR आइनॉक्स इन सबको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका जो चैनल है फिनग्रोथ मंत्रा, इसके ऊपर प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों, अपना प्यार इसी से बनाए रखिए और सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए, लेकिन अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिए, एनालिसिस करना बहुत जरूरी। थैंक यू वेरी मच।